हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट विनोद शर्मा अपने चैनल कानून और आम आदमी में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि कैसे रोड एक्सीडेंट के सेक्शन 279, 337, 304A में एक जजमेंट के माध्यम से मैंने बताया कि कन्विक्शन हुआ है, यानी कि 304A में 2 साल की सज़ा और जुर्माना, 279 में 6 महीने की सिंपल इम्प्रिजनमेंट और जुर्माना, और 337 में भी 6 महीने की सज़ा और 500 रुपये का फाइन कोर्ट ने किया है। तो उसी जो है इसी कन्विक्शन के बेस पे जो कन्विक्ट है वो सेशन कोर्ट में अपील करते हैं। अपील के क्या ग्राउंड रहे और इस अपील में कन्विक्ट को जो है रिलीफ मिला या नहीं मिला, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको उसी वक्त मिल जाएं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं कि ये अपील है जो सेशन में डलती है। जब भी ट्रायल कोर्ट के द्वारा रोड एक्सीडेंट के केसेस में किसी का कन्विक्शन होता है तो तब जो है इसकी अपील सेशन कोर्ट में लाई करती है, और जो सेशन कोर्ट में जब अपील फाइल करेंगे तो तभी जो है अगर कन्विक्शन हुआ है तो बेल भी आपको तुरंत मिल जाती है, क्योंकि ये सभी बेलेबल ऑफेंसेस हैं, इसलिए जो है बेल का तुरंत प्रावधान होता है। तो दोस्तों, इस केस में जो मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया, इस केस में अपील फाइल की गई सेशन कोर्ट में, और अपील में जो है ये कहा गया कि हम इस ऑर्डर को या जजमेंट को जिसमें कन्विक्शन हुआ था उसको चैलेंज नहीं कर रहे, यानी कि जजमेंट को गलत नहीं बता रहे, उसको चैलेंज नहीं कर रहे, सिर्फ हम सज़ा में कुछ लीनियंसी चाहते हैं कि सज़ा जो है कुछ कम हो जाए ताकि आरोपी को रिलीफ मिले। और इसमें कई सारी चीज़ें कही जाती हैं कि आरोपी की फैमिली है और वो अगर जेल चला गया तो उसकी फैमिली को पीछे से दिक्कत होगी, और भी कई सारे ग्राउंड्स इसमें होते हैं। तो इस संबंध में माननीय सेशन कोर्ट की जो जजमेंट आई है, यानी कि ऑर्डर आया है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। एपेलेंट कन्विक्ट स्टेटेड दैट ही डज नॉट वांट टू चैलेंज द जजमेंट ऑफ अ कन्विक्शन, कि ये बयान दिया कन्विक्ट ने कि मैं जो ट्रायल कोर्ट की जजमेंट है जिसमें सज़ा दी गई थी उसको चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, एंड रिक्वेस्टेड फॉर टेकिंग लीनियंट व्यू इन हिज फेवर इन द मैटर ऑफ अवार्डिंग सेंटेंस। केवल एक प्रेयर कर रहा हूँ कि जो सज़ा दी गई है ट्रायल कोर्ट के द्वारा उसको कम किया जाए, कुछ जो है कन्विक्ट के प्रति जो है लीनियंट व्यू लिया जाए। हिज स्टेटमेंट हैज़ बिन रिकॉर्डेड एंड अपेंडेड अलॉन्ग विद केस फाइल, और इस संबंध में जो कन्विक्ट की स्टेटमेंट जो है रिकॉर्ड कर ली गई कोर्ट में और उसको केस फाइल के साथ लगा दिया गया। माननीय कोर्ट ने कहा है कि ऑन री अप्रेजल ऑफ द एविडेंस, कि पूरा एविडेंस देखने के बाद कोर्ट में एंड अदर मटेरियल ऑन रिकॉर्ड, और जितना भी मटेरियल रिकॉर्ड पे था जो ट्रायल कोर्ट में रखा गया, आई फाइंड दैट इट इज़ वेल रीजन्ड जजमेंट, कि मैं ये महसूस करता हूँ, कोर्ट ये कहता है कि ये एक बहुत ही वेल रीजन्ड जजमेंट है, यानी कि इसमें कोई भी जो है गलती नहीं है एंड डज नॉट सफ़र फ्रॉम एनी इलीगलिटी और परवर्सिटी, और इसमें कोई भी इलीगल एक्ट नहीं है और कोई भी इसमें परवर्सिटी नहीं है, और ये बहुत ही बैलेंस्ड और वेल रीजन्ड जजमेंट है। नंबर 3 पे माननीय सेशन कोर्ट ने कहा कि एज़ फार एज़ क्वांटम ऑफ सेंटेंस इज कंसर्न्ड, जहाँ तक सज़ा की अवधि का सवाल है, जेल की अवधि का सवाल है, इन माई ओपिनियन ए लीनियंट व्यू डिजर्व्स टू बी टेकन, तो मेरे मत से इसमें एक लीनियंट व्यू लिया जा सकता है, यानी कि सज़ा के मुद्दे पर दोबारा विचार किया जा सकता है। द एपेलेंट हैज़ बीन फेसिंग ट्रायल फॉर लॉन्ग टाइम, कि एपेलेंट जो है कन्विक्ट जो है काफ़ी लंबे समय से ट्रायल फेस कर रहा है, पहले ट्रायल कोर्ट में फिर सेशन कोर्ट में, सो इन द मीन टाइम ही हैज़ नॉट बीन इन्वॉल्व्ड इन एनी अदर क्रिमिनल केस, और इस दौरान, इन सालों के दौरान
कोई भी क्रिमिनल केस में, नए क्रिमिनल केस में उसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं पाई गई। द डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर जो डिसीज्ड एंड इंजर्ड आई विटनेस, और जो फैमिली मेम्बर्स थे डिसीज्ड के जो मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में एक्सपायर हुए थे, और जो उनकी नानी थी जिनको इंजरीज हुई थी, आई विटनेस थी वो, उनके परिवारों को जो है MSET के द्वारा क्लेम दिया जा चुका है, यानी कि जो उन्होंने क्लेम मांगा था। द अक्यूज्ड हैज़ ए फैमिली टू सपोर्ट, और अक्यूज्ड की अपनी फैमिली है, छोटे बच्चे हैं, घर में वाइफ है, अकेला कमाने वाला है, और जो है पेरेंट्स हैं, तो जो है परिवार के प्रति भी उसका दायित्व बनता है। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए द अपील इज़ पार्टली अलाउड, तो अपील को जो है पार्टली यानी कि आंशिक तौर पर इसको अलाउ किया जाता है। एंड वाइल द इम्प्यून्ड जजमेंट ऑफ कन्विक्शन इज अपहेल्ड, जबकि कन्विक्शन की जो जजमेंट है उसको अपहोल्ड किया जाता है, यानी कि वो सही है। द ऑर्डर ऑन द क्वांटम ऑफ सेंटेंस इज मॉडिफाइड एज, लेकिन जो सज़ा मिली है उस ऑर्डर के तहत उसको कुछ कम किया जा रहा है, और जो है एक मॉडिफाइड वे में इसको दिया जा रहा है। तो इस संबंध में जो है माननीय सेशन कोर्ट ने 279 में सज़ा जो जिसमें 6 महीने दी गई थी उसकी सज़ा को घटाकर 3 महीने कर दिया, और 337 में जिसमें 6 महीने की सज़ा दी गई थी उसमें सज़ा 3 महीने कर दी, और 304A में जहां पर मैक्सिमम सज़ा 2 साल की दी गई थी उसको घटाकर 1 साल कर दिया गया, यानी कि जो है टोटल सज़ा 1 साल इसमें मानी जाएगी, क्योंकि सभी सज़ाएं मिलाकर कॉन्करेंटली रन करती हैं, अलग अलग सज़ा नहीं जो है झेलनी पड़ती, और ये एक साथ ही चलती हैं। तो दोस्तों ये सेशन कोर्ट का इसमें जजमेंट आया है 279/337/304A के केस में। तो इससे क्लियर होता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हैं जहां पर सेशन कोर्ट में सज़ा या तो बरकरार रह सकती है या उसको कुछ मॉडिफाई किए करके कम किया जा सकता है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब